दरअसल सैमसंग ने जनवरी के महीने में अपनी S10 लाइनअप को लॉन्च कर दिया था, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी क्योंकि वो फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ आई थी। तो आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2021 में सैमसंग S10 लाइट आपको लेना चाहिए कि नहीं। जब पिछले साल सैमसंग ने अपनी S10 लाइनअप को लॉन्च किया था तो उनकी मेन अट्रैक्शन डिस्प्ले थी। सैमसंग के S10 लाइट में हमें QHD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली थी सैमसंग की तरफ से, जो कि उस टाइम में बेस्ट इन मार्केट थी। और ये डिस्प्ले LCD पैनल से मच बेटर थी। ओब्वियसली एमोलेड है तो मच बेटर तो होगी ही, पर सैमसंग अपनी डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा ही करता है। ये अपनी डिस्प्ले में 60Hz का रिफ्रेश रेट लेके आई थी, ना कि 120Hz और ना ही 90Hz, पर फिर भी इसका 60Hz काफ़ी बेटर है। सैमसंग की एमोलेड स्क्रीन इस 60Hz को छिपा देती है, क्योंकि सैमसंग का एमोलेड स्क्रीन सभी कॉन्ट्रास्ट और जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं उनको अच्छी तरह से इन्हेंस करती है। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है सैमसंग की। अब हम इस फ़ोन के दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला था सैमसंग की तरफ से डिस्प्ले में। आज के टाइम में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सम ऑफ द फास्टेस्ट स्मूथेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर माना जाता है। इस फोन का वेट काफी मेंटेन है, क्योंकि इनकी इन हैंड फील काफी अच्छी आती है सैमसंग के स्मार्टफोन्स की, एकदम प्रीमियम फील देता है। अब हम इस स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है। सैमसंग ने हमें इस बार फिर से हमें कर्व डिस्प्ले दी थी, जो कि हमें S9 लाइनअप में भी मिली थी, पर इस बार उन्होंने S10 लाइन में हमें काफ़ी अच्छी कर्व डिस्प्ले देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी अच्छी बेजल्स के साथ आई थी। ये फ़ोन बिल्ड हमें एल्यूमिनियम फ्रेम में देखने को मिला था और इसकी इन हैंड फील काफ़ी सॉलिड देखने को मिली थी, और ये फ़ोन हमें काफ़ी प्रीमियर लुक दे रहा था। इस स्मार्टफोन की जो कर्व डिस्प्ले थी वो हमें सेकेंड जनरेशन में दी थी सैमसंग ने। फर्स्ट जनरेशन उन्होंने S9 लाइनअप में दी थी और S10 में सेकेंड जनरेशन। इस फोन में हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस बार उन्होंने हमें हेडफोन जैक दिया था स्मार्टफोन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम इस स्मार्टफोन के फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है स्पेसिफिकेशन। इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 8555 देखने को मिल रहा था, और इसमें एक और वेरिएंट था जो कि एक्सिनोस 9820 में आया था। इस फोन में हमें 8GB रैम और 128-512 तक देखने को मिल रही थी स्टोरेज, जो कि आप अपने हिसाब से बाय कर सकते थे। और हमें इस फोन में microSD स्पोर्ट भी देखने को मिल रहा था। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अगर आप 512GB की स्टोरेज दे रहे हो तो आपको microSD देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि microSD की स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट नहीं होती, जो कि फोन की स्पीड को स्लो कर देती है। फिर भी बैकअप के लिए microSD उन्होंने दे रखी है, आपका मन करे तो आप इसमें डाल सकते हो। इस फोन की रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है। मेरे फ्रेंड के पास ये फोन है और मैंने उससे पूछा कि ये फोन कितनी देर तक अपनी एप्स को होल्ड में रख सकती है, वर्किंग ऐप को। उसने कहा कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन करी और वो 1.5 घंटे बाद भी वैसे ही ऑन हुई, और 2.5 घंटे बाद वो नहीं हुई। तो इसकी रैम मैनेजमेंट लगभग ठीक ही है, 2 घंटे काफ़ी होते हैं। इस फ़ोन में बैटरी हमें काफ़ी बड़ी देखने को मिली थी, जो कि 4500 mAh की थी। ये फ़ोन हमें 7.5 घंटे का स्क्रीन टाइम देती है, और इसमें हमें वाईफाई ऑन ही होता है। वाईफाई ऑन होने के बाद भी 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये फ़ोन हमें देता है, और वाईफाई ऑन होने में भी हम जितनी भी अच्छी वीडियो क्वालिटीज़ देख रहे हैं ये 7.5 घंटे का ही हमें बैकअप देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इस फ़ोन में गेम्स खेलें तो ये फ़ोन 5 से 6 घंटे के बीच तक चलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गेमर्स के लिए। अब हम इस फोन के 6th पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है कैमरा। इस फोन में हमें 42 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ये फोन फोटोज तो काफी अच्छी क्लिक करता है डे टाइम में, पर इस फोन की जो नाइट वाली फोटो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इनकी नाइट मोड की फोटो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, और मेरे फ्रेंड का भी यही कहना है कि नाइट मोड में ये फोन कुछ ज्यादा अच्छी फोटो क्वालिटी क्लिक नहीं करता। अगर आप फोटोज के लिए जा रहे हो तो मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा, ओवरऑल अच्छा फोन है। मैं इसका 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको, जो कि है ये फ़ोन वर्थ इट है कि नहीं। ये फ़ोन हमें 120 रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता है, फिर भी ये कोई मैटर नहीं करता सैमसंग, एप्पल और गूगल के केस में। इनकी स्क्रीन्स ही सब कुछ है इनके लिए, तो ये अपनी स्क्रीन्स को इतना अच्छा बनाते हैं कि इनको रिफ्रेश रेट्स के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आईफोन 12 में वो 60 रिफ्रेश रेट ही देते हैं, पर फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एप्पल की डिस्प्ले है, इतनी स्मूथ है। तो वही सैमसंग के केस में भी वही है, तो इनकी 60Hz भी काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस वेरी करता है 25,000 से 30,000 तक।
अगर आपको 25 से 30,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन चाहिए तो ये आप बेशक इंक्लूड कर सकते हो। मैं ऐसा कहूंगा, अगर आप सैमसंग ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो आप ये लाइट वाला वेरिएंट ले सकते हो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा सैमसंग ने भी काफ़ी अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कराया है, वो भी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। अगर आपको एस लाइनअप भी चाहिए तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप S20 या S21 लाइनअप को बाय कर सकते हो तो उसी के लिए जाओ, क्योंकि ये फ़ोन पिछले साल वाला है, इसमें एक साल में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चेंज हो गए हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं होता तो इस स्मार्टफोन को लेता कि नहीं, मेरा सिंपल सा रीज़न है नहीं, क्योंकि मेरे को कैमरे से ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो प्रोसेसर तो इसका ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, 855 आज के टाइम में हमें 120 रिफ्रेश रेट देता है सैमसंग, थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है 60 और 120 में। मैं तो नया वाले में ही जाता। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो अपग्रेड वर्जन पे चाहिए, जो कि 20 या 21। चलो कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है और आप कौन सा फ़ोन बाय करना चाहते हो आने वाली अपकमिंग सेल्स में, जो कि आने वाली हैं 1-2 महीने में अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। चलिए इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो अगले बाय।